बहर इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास एक ऐसा बाईपास है जो सिर्फ मौत की वजह से जाना जाता है। इसे मौत का बाईपास, खूनी बाईपास भी कहा जाता है। इस बाईपास पर न ही ट्रक चालक सुरक्षित हैं क्योंकि उनके साथ लूटपाट की घटनाएं होती हैं, और न ही बाइक सवार सुरक्षित है क्योंकि ये अक्सर ट्रक की चपेट में आने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। गुरुवार की सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास एक ट्रक की चपेट में आने से 3 युवकों में से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार तीनों युवकों का नाम अमन रजीउद्दीन चौधरी 18 साल जो मुमरा की शबनम अपार्टमेंट में रहता था, जाबिर अबू बकर शेख 18 साल जो सीर फाटा का रहने वाला था, और तीसरा युवक आशिफ आफताब खान 18 साल जो मुमरा के एमके बिल्डिंग में रहता था। इसमें से जाबिर और अमन घायल हुए हैं और आसिफ की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक ही बाइक पर ट्रिपल सीट बैठकर जाबिर को बाईपास होते हुए अमन और आशिफ वाई जैक्सन से रिक्शा में बिठाने के लिए जा रहे थे, मगर रहमानिया अस्पताल के पास टर्निंग मोड़ पर ये तीनों जैसे ही मुड़े तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। अमन और जाबिर को पैर और हाथ में चोट लगी है तो वहीं आसिफ को सिर में चोट लगी है। तत्काल इन तीनों को कालशेखर अस्पताल ले जाया गया मगर आसिफ की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पंचनामा कर कलवा शिवाजी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुमरा बाईपास पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, साथ ही इस बाईपास पर ट्रक लुटेरे भी सक्रिय हैं। कहने के लिए स्ट्रीट लाइट लगी है मगर ये ज़्यादातर रात के समय बंद ही रहती है। सबसे ज़्यादा बाइक सवार का इस बाईपास पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और दिन ब दिन ये दुर्घटनाएं बढ़ते ही जा रही हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।